मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर विपक्ष के महागठबंधन की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के शपथ के दौरान या वहां पर शपथ के दौरान कांग्रेस और विपक्ष ने देश को एक तस्वीर दिखानी चाहिए, 2019 के महागठबंधन की वो तस्वीर। कांग्रेस एक ही हवाई जहाज में विपक्ष के बड़े चेहरों को बिठाकर तीनों राज्यों में ले भी गई, लेकिन विपक्ष का ये फोटो फ्रेम तैयार नहीं हो पाया। सबसे पहले इस खबर की 5 हेडलाइंस आपको देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस को सरकार में सहयोग कर रही बीएसपी और समाजवादी पार्टी शपथ समारोह में शामिल नहीं हुई। ममता बनर्जी शपथ समारोह में नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव दिनेश त्रिवेदी को जरूर भेजा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल किसी समारोह में शामिल नहीं हुए। संजय सिंह सिर्फ राजस्थान गए। सज्जन कुमार पर फैसला आते ही वो वापस भी लौट आए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सिख दंगों में कमलनाथ पर आरोप है, कांग्रेस उन्हें सीएम ना बनाए। सूत्रों के मुताबिक राहुल के समर्थन में स्टालिन के बयान से राजनीति थोड़ी बदली। माया, अखिलेश, ममता को राहुल स्वीकार नहीं। एक तस्वीर इसी साल 24 मई की और दूसरी तस्वीर आज की। पहली तस्वीर में सोनिया और मायावती एक दूसरे से दोस्ती में सिर लड़ा रही हैं। दूसरी में न सोनिया है न मायावती और अखिलेश भी नदारद है। इसका मतलब क्या? राहुल है तो विरोध है। कमलनाथ, वसंत साठे और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सुभाष टंडन तीनों गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के बाहर खड़े होकर गोलियां चलवा रहे थे और दो लोगों को जिंदा जला दिया। राहुल गांधी जी, पहली बात तो आपको कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन अब कम से कम जब सज्जन कुमार कन्विक्ट कर दिए गए हैं, इन्हें पार्टी से आपने अभी तक बाहर नहीं निकाला है। कांग्रेस चाहती थी कि वो देश को बुलंद गठबंधन की तस्वीर एक बार फिर दिखाए, लेकिन चार बड़े चेहरे ही दूरी बना गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शपथ के दौरान कांग्रेस 2019 के लिए जो ताकत दिखाना चाहती थी, वो कमजोर और गिरती पड़ती हालत में दिखी। न ममता बनर्जी आए, न अखिलेश यादव दिखे, न मायावती पहुंची और न ही अरविंद केजरीवाल गए। यानी कुल मिलाकर 129 लोकसभा सीटों का झटका। यानी मंच पर जो नेता दिखे उनसे 2019 के लिए गठबंधन तो बन सकता है, लेकिन महागठबंधन बनता नहीं दिख रहा। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस के कर्नाटक के दिग्गज नेता सिद्धरमैया, जेडीएस के देवेगौड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिखे। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के शरद पवार, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एआईएडीएमके नेता एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन एक साथ दिखे। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे। 24 मई को कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ये दूसरा मौका था जब विपक्षी नेता एक मंच पर आए, लेकिन सोनिया गांधी के साथ कर्नाटक के मंच पर जिस गठबंधन ने आकार लिया, वो तीन राज्यों में राहुल गांधी के साथ बिखरता दिखा। ममता बनर्जी ने कहा कि वो पारिवारिक मजबूरियों के चलते शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन उनकी तरफ से उनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे। मायावती और अखिलेश की तरफ से कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया। ऐसे में संकेत साफ है कि विपक्षी एकता का जो ये ताना बाना बुने जाने की बातें आ रही थी, उससे पहले ये तो बिखरता दिख रहा है। बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे। जीत के बाद ये राहुल का कॉन्फिडेंस था और उसे और बढ़ाया डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के बयान ने। I propose the candidature of Rahul Gandhi from Tamil Nadu। माना जा रहा है कि स्टालिन के बयान ने राजनीति बदलनी शुरू कर दी। राहुल के नाम पर महागठबंधन के चाल, चेहरा, चरित्र में दरार आने लगी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ही ममता, माया और अखिलेश ने शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई। माया अखिलेश को पता है कि यूपी के बगैर कोई गठबंधन नहीं बन सकता। दोनों का अनुमान है कि 2019 में यूपी की 80 में से करीब 50 सीटें उनके पास आएंगी।
अगर 50 सीटें मिली तो दोनों अपने पसंद का पीएम चाहेंगे। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट है जिस पर ममता की नजर है। अगर वहां 25 से ज्यादा सीटें आई तो पीएम की पसंद में ममता का भी हक होगा। दरअसल महागठबंधन की इस खिचड़ी में कई रसोइये हैं जो इसका स्वाद बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष अब तक राहुल गांधी के नाम पर एक मत नहीं हो पाया है। 3 राज्यों में जीत से कांग्रेस को ताकत जरूर मिली है, लेकिन राहुल की ताकत अभी साबित होना बाकी है। देखिए, राजनीति तो यही कहती है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से जुड़ता नहीं है, और नीति ये कहती है कि जहां स्वार्थ होगा वहां दोस्ती संभव नहीं है। लेकिन देश की राजनीति इस मास्टर स्ट्रोक को बरसों से परख रही है। जनहित से बनेगा गठबंधन, लेकिन दलहित से सिर्फ और सिर्फ ठग बंधन। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।